स्वच्छ भारत मिशन के तहत आयोजित आज के सफाई मित्रों सम्मेलन में उपस्थित होकर मैं बहुत खुश हूँ। मंच पे विराजमान मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल जी, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, उपमुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा जी, मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री श्री कैलाश विजय वर्गीय जी, श्री राकेश सिंह जी, श्री तुलसीराम सिलावट जी, श्री गौतम टेटवाल जी और श्रीमती प्रतिभा बागरी जी, गणमान्य अतिथियों, हमारे सफाई मित्रों, देवियों और स्वजनों, श्री महाकालेश्वर की दैवी ज्योति से प्रकाशित तथा पावन शिप्रा नदी के आशीर्वाद से सिंचित इस धरती को मैं सादर नमन करती हूँ। प्राचीन काल में इस क्षेत्र को अवंतिका कहा जाता था। पवित्र दिव्य ज्योतिषिला स्वतम में प्रार्थना की, ज्योति के अवंतिकायां विहितावतारम वंदे महाकाल महासुरेशम, अर्थात अवंतिका में अवतार लेने वाले देवाधिदेव महाकाल की हम वंदन करते हैं। महाकाल की नगरी उज्जैनी में सदियों से स्वीकृति संस्कृति और सभ्यता की परंपरा निरंतर अस्तित्व में बनी रही है। आज से लगभग 2600 वर्ष पहले भगवान बुद्ध के समय में उज्जैनी अव्यक्ति राज्य की राजधानी हुआ करते थे। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है। इस समय उज्जैन भारत का सबसे महापूर्व नगर था। देवियों और स्वजनों, आज मुझे इंदौर उज्जैन सड़क परियोजना का भूमि पूजन करके बहुत प्रसन्नता हो रही है। मैं मुख्यमंत्री महोदय और उनकी पूरी टीम को इस परियोजना के लिए के मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। इस सड़क परियोजना से ये ऐतिहासिक तथ्य याद आता है कि लगभग 2000 वर्ष पहले उज्जैन ऐसी परिवहन व्यवस्था के केंद्र में था जिसे आज मल्टीमॉडल ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। उज्जैन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अत्यंत महत्वपूर्ण केंद्र है। महाकवि कालिदास ने मेघदूतम में उज्जैन की विशालता और भव्यता का अद्भुत चित्रण किया है और कहते हैं कि जैसे देवलोक में अलकापुरी है उसी तरह मनुष्यलोक में उज्जैनी है। किसी भी शब्दों का लगातार दो बार प्रयोग करने से वो बचते थे, लेकिन उज्जैनी का वर्णन करते समय वो विशाल विशाल का प्रयोग किए थे। देवियों और स्वजन, मुझे ये बात की प्रसन्नता है कि उज्जैन में आधुनिक विकास के लिए अनेक प्रयास किए जा रहा है। विक्रम उद्योगपुर का विकास इसका उदाहरण है। इस उद्योगीपुर में मेडिकल डिवाइसेस पार्क की स्थापना की गई है। राज्य में अनेक एक्सप्रेस वे तथा एलिवेटेड कॉरिडोर्स पर काम चल रहा है। रेलवे और एयर कनेक्टिविटी को विकसित किया जा रहा है। इन प्रयासों की सफलता हेतु मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। देवियों और स्वजनों, मैंने जनसेवा की अपनी यात्रा स्वच्छता के कार्य से ही शुरू की थी। मैं अपने गृहनगरी नोटिफाइड एरिया काउंसिल की उपाध्यक्ष थी। मैं प्रतिदिन एक वार्ड से दूसरे वार्ड जाती थी, साफ सफाई के कार्य का निरीक्षण करती थी तथा सफाई मित्रों एवं अन्य लोगों के साथ परामर्श करती थी। सफाई से जुड़े अच्छे बदलाव को देखकर खुशी महसूस होता था। पिछले 10 वर्षों में स्वच्छता अभियान देशव्यापी जन आंदोलन बन गया है। इसके कारण व्यापक स्तर पर बदलाव हुए हैं। स्वच्छ भारत मिशन द्वारा हमारे देशवासियों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ी है तथा अभूतपूर्व व्यवहार परिवर्तन हुआ है। ये देखकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच से मुक्ति के लिए 11 करोड़ से अधिक
शौचालय तथा लगभग 2.25 लाख सामुदायिक स्वच्छता परिसर बनाया गया है। महिलाओं की गरिमा और स्वास्थ्य की सुरक्षित रखने के लिए इस जन आंदोलन की विशेष भूमिका है। विद्यालय में बालिकाओं के लिए अलग से शौचालय की व्यवस्था करने के लिए मैं गवर्नमेंट को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। उनके साक्षरता और शिक्षा में इसीलिए वृद्धि हुई है। एक प्रतिष्ठित आकलन के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन में बच्चों की मृत्यु दर भी कमी आई है। ग्रामीण परिवारों के स्वास्थ्य के से जुड़े सालाना खर्च में औसतम 50,000 रुपया की कमी आई है। देवियों और स्वजनों, मध्य प्रदेश ने शहरी और ग्रामीण स्वच्छता के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाई है। इंदौर ने लगातार 7 बार देश का स्वच्छतम शहर बने रहने का कीर्तिमान स्थापित किए हैं। भोपाल को सबसे अच्छे राजधानी होने का गौरव प्राप्त हुई है। राज्यों के अनेक शहर वाटर प्लस और ODF डबल प्लस की श्रेणी में पुरस्कृत किया गया है। स्वच्छता के क्षेत्र में मध्य प्रदेश की अन्य कई उपलब्धियां हैं, मैंने कुछ ही का यहाँ उल्लेख किया है। इन सभी उपलब्धियों के लिए मैं मध्य प्रदेश की सरकार और राज्यों के सभी निवासियों की सराहना करती हूँ तथा उन्हें बहुत बहुत बधाई देती हूँ। देवियों और स्वजनों, स्थानीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छता के क्षेत्र में हमारी उल्लेखनीय का सबसे अधिक श्रेय हमारे सफाई मित्रों को जाता है। हमारे सफाई मित्रों अग्रिम पंक्ति के स्वच्छता योद्धा है। वे हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं, बीमारी से, गंदगी से, स्वास्थ्य से जुड़े खतरों से वो बचाते हैं। मैं हमारे राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। सफाई मित्रों का सम्मान करके वास्तव में हम अपना ही गौरव बढ़ाने हैं। सभी देशवासियों की ओर से मैं प्रत्येक सफाई मित्रों को हृदय से धन्यवाद देती हूँ। आप सभी सफाई मित्रों के साथ इस सम्मेलन में भागीदारी करके मुझे विशेष प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। सफाई मित्रों की सुरक्षा, गरिमा और कल्याण को सुनिश्चित करना सरकार और समाज का महत्वपूर्ण दायित्व है। मेल हॉल को समाप्त करके मेसिन हॉल के जरिए सफाई करने की व्यवस्था की जा रही है। सफाई मित्रों सुरक्षा शिविरों के माध्यम से उनके हेल्थ चेकअप की सुविधा प्रदान की जा रही है। केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न कल्याण योजनाओं के तहत उनको लाभान्वित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि मध्य प्रदेश में अनेक शहरों को सफाई मित्रों सुरक्षित शहर घोषित किया गया है। देवियों और स्वजनों, स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण के दौरान जो वर्ष 2025 तक चलेगा, हमें संपूर्ण स्वच्छता का लक्ष्य पूरा करना है। खुले में शौच से मुक्त रहने की स्थिति को बनाए रखते हुए सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट में राष्ट्रीय लक्ष्यों का प्राप्त करना होगा। आगामी गांधी जयंती तक पूरे देश में स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता के संदेश को प्रसारित करने का अभियान प्रगति पर है। स्वच्छता ही सेवा की भावना के साथ केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय तथा राज्य सरकार के पारस्परिक सहयोग से स्वच्छ भारत मिशन को और आगे बढ़ावा दिया जा सकता है। हमारे देशवासी गंदगी को दूर करके भारत माता की सेवा करने का संकल्प ले रही है। मुझे आशा है कि गांव-गांव और गली-गली स्वच्छ भारत मिशन के प्रचार तथा इस अभियान के तहत श्रमदान करने हेतु सभी नागरिकों आगे आना चाहिए। ऐसा करके हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के स्वच्छता से जुड़े आदर्शों को कार्य रूप देख पाएंगे। हम सभी जानते हैं कि स्वच्छता की ओर बढ़ावा या हमारे एक कदम पूरे देश को स्वच्छ रखने में सहायक सिद्ध होगा। आइए हम सभी मिलकर स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत और विकसित भारत के निर्माण के लिए आगे बढ़े। इसी संकल्प के साथ
मैं आशा करती हूँ भारत के एक एक व्यक्ति स्वच्छता ही देश को स्वस्थ बना सकते हैं, विकसित बना सकते हैं। इसी भावना के साथ आगे बढ़े और देश को स्वच्छ बनाए और स्वस्थ बनाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल। कोटि कोटि आभार, धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, आपके प्रेरणादायी वचनों के लिए। सभी से आग्रह है, कृपया अपने स्थानों पर खड़े होंगे। और ये सीधी तस्वीर आप देख रहे थे उज्जैन से, जहां पर आपने सुना राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को, जिन्होंने स्वच्छता को लेकर जिस तरीके से काम किए गए हैं और जो पूरा रोड मैप अपनाया गया इसको लेकर उन्होंने काफ़ी सराहना की है, और इसमें आम लोगों की भी उन्होंने सराहना की है। उज्जैन, इंदौर उज्जैन 6 लेन सड़क निर्माण का भूमि पूजन हो रहा है, और इस खास मौके पर किस तरीके से व्यवस्था की जानी है स्वच्छता को लेकर, क्योंकि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन जिस दिन था उस दिन से शुरुआत हुआ है स्वच्छता पखवाड़ा, और इस पर भी विशेष फोकस किया जा रहा है। उज्जैन में इस वक्त राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, जिनका बहुत स्वागत किया गया है। आपने देखा राज्यपाल वंगूभाई पटेल भी मौके पर मौजूद रहे, उन्होंने भी सभी को संबोधित किया, और तकरीबन 1692 करोड़ की लागत से इंदौर उज्जैन 6 लेन सड़क का निर्माण का भूमि पूजन हुआ है, और इस भूमि पूजन के साथ ही साथ राष्ट्रपति कुछ और भी कार्यक्रमों में शामिल हुई हैं, जहां पर उज्जैन पहुंची और यहां पर बाबा महाकाल के दर्शन के साथ साथ कुछ और भी अन्य कार्यक्रम हैं जिनमें वे अभी शामिल होने वाली हैं।